हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की DOE की तरफ से आपको एक सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है। तो यहाँ पर ये मैथ्स की बुक है, सेशन 2023 टू 24 की। इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक स्टार्ट कर रखा है। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 तक कम्प्लीट करा दिया था। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 14 कर। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको क्या करना है, इसमें मोड निकालना है। तो आप देख लो क्लास इंटरवल है, इसमें आपको मोड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वैसे तो आप मोड नॉर्मली निकाल सकते हो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो आपका मोड होता है, पर वो तब होता है जब आपको क्लास इंटरवल की ना दे रखा हो डेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर निकालेंगे कैसे, वो यहाँ देखिए। पहले इस डेटा को मैंने यहाँ पर लिख लिया, तो CI मुझे यहाँ पर जो दे रखा है वो दे रखा है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 और 25 to 30। क्लियर। इसके साथ साथ मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन है, वो गिवन है 2, 7, 18, 10, 8 और 5। अब सबसे पहली बात, मुझे यहाँ पर मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इस केस में हम मोड का फॉर्मूला होता क्या है, तभी हम बाकी चीज़ों को निकाल पाएंगे। तो देखो मोड का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, वो होता है एल प्लस एफ वन माइनस का एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस का एफ नॉट माइनस का एफ और इनटू में होता है आपके पास एच। अब F1, F0, F2 आप लोगों को पता ही होगा, NCERT में आप ये सारी चीज़ें सीख के आए हुए हो, क्या हो ना, तो ये चीज़ें आपको पता होगी। F1 की अगर मैं बात करूँ होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो ये है आपके पास F1। F0 उसके ऊपर वाला होता है और F2 उसके नीचे वाला होता है। क्या एच का मतलब क्लास इंटरवल्स के बीच में गैप हो गया, जो कि हमारे पास 5-5 का है। एल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर लोअर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट किसकी देखेंगे, F1 वाले की देखेंगे। तो चलो अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो L मेरे को यहाँ पर 10 दे रखा है, F1 मेरे पास यहाँ 18 है, F0 मेरे पास यहाँ पर 7 है। यहाँ पर आ जाएगा 2 × 10 कि F1 मेरे पास कितना है, सॉरी 18, 2 × 18 आ जाएगा यहाँ। माइनस का F0 वो है 7 और F2 है मेरे पास 10। क्लियर है। H मेरे पास कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। वैल्यूज बिल्कुल ध्यान से पुट करना, जो F1 है वो F1 की जगह रखना, जो F0 है वो F0 की जगह, आप उसे F0 भी कह सकते हो, ठीक है, और जो F2 है उसे F2 की जगह। तब अगर हम मोड की बात करें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 18 में से 7 जाएगा तो 11 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 को आपको 18 से इंटू करना है, और आप जब 2 को 18 से इंटू करोगे 36 आएगा, उसमें से 7 को माइनस किया 20, उसमें से 10 को माइनस किया 19 आ जाएगा, इंटू का 5 ऐसी है। क्लियर है। तब यहाँ पर मोड कैसे निकालेंगे, तो आ गया 10 प्लस या आ गया 55 अपॉन में 19। मोड इज इक्वल्स टू में 10 प्लस 55 को मैंने क्या किया, 19 से डिवाइड कर दिया ताकि आसान हो जाए कैलकुलेशन। 2.89 अप्रॉक्स में आ रहा है मेरे पास मोड, जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12.89 अप्रॉक्स। आप इसे 13 भी लिख सकते, ये मैंने अप्रॉक्स वैल्यू निकाली है क्योंकि इन्हें डिवाइड करके बहुत लेंदी बना रहा था। क्लियर है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। अब डेली बेसिस इस चैप्टर की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, तो साथ साथ आप इस चैप्टर को NCERT से करने के बाद इस बुक से भी प्रिपेयर करते रहिए। इस बुक के सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन उठ के आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।